बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म के एक स्पेशल असिस्टेंट हैं ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब, कहते हैं अगर वज़ीर आज़म चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना के इजलास में बुला सकते हैं। ये उनका दावा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बहुत हमारे मशहूर और मोहतरम शायर थे हबीब जालिब साहब, उनका एक शेर है, जुल्म रहे और अमन भी हो क्या मुमकिन है तुम भी कहो। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी का जो मुकदमा है उसमें एक तफसीली फैसला जारी किया और उस फैसले में इस शेर को इस्तेमाल किया गया है। और जो हबीब जालब के शेर का इस्तेमाल है वो इस तनाजुर में किया गया है कि नैब का जो इदारा है इसने पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बदअमनी फैला रखी है। तो ये जो नैब के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में हमें चार्जशीट नज़र आती है, इस पर आज हम बहुत अहम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की काबीना के इजलास में बैठ सकते हैं, तो क्या डुअल नेशनैलिटी रखने वाला शख्स जो है वो काबीना का मेंबर बन सकता है? अगर पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता तो एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र डुअल नेशनल कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा अपोजिशन जमातों की मुजवजा APC है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब कादर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इश्तर औसाफ अली साहब बात करूँगा, क्योंकि ये जो जिस केस में आज जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने और जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल साहब ने नैब के बारे में बहुत एक तफसीली चार्जशीट दी है, इस केस में उन्होंने भी आर्गू किया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब इश्तर औसाफ अली साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इश्तर साहब, मैंने ये फैसला बड़ी तफसील से पढ़ा है और इसमें बहुत अहम बातें कही गई हैं, मैं ज़्यादा तफसील तो बयान नहीं कर सकता। मसलन पैरा 48 है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मोजस जज साहबान कह रहे हैं कि ये मुकदमा इंसानी हकूक़ की पामाली, गैर कानूनी तरीके से आज़ादी सलब करने और इज़्ज़त नफ्स की तजलील की क्लासिक मिसाल है और इस मुकदमे में नैब ने कानून और फेयर प्ले का कोई ख्याल नहीं किया। और जो पैरा 56 है इस जजमेंट का, वो तो लगता है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब ने जिन बुनियादों पर यह मुकदमा आगे बढ़ाया वो नामालूम है, अननोन। और पैरा 67 में कहा गया कि नैब कानून जो है ये जनरल परवेज़ मुशरफ की फौजी हुकूमत 16 नवंबर 1999 को लेकर आई और ये कानून शुरू से ही मुतनाज़ा है और आम तासुर ये है कि इस कानून को सियासी मुखालफीन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और पैरा 68 में कहा गया कि इंसानी तौकीर की पामाली के बायस नैब को बिरूने मुल्क से भी बदनामी मिल रही है और इसलिए हाल ही में यूरोपीय कमीशन ने भी नैब के जानबदराना तर्ज अमल के बारे में कहा है कि इसे आज़ादाना तरीके से काम करना चाहिए। और आखिर में जाके जज साहबान ने लिखा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो क्या मुमकिन है तुम भी कहो। तो इस तरह साहब साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या ये जजमेंट नैब के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं बन गई? न सिर्फ ये जजमेंट बल्कि इससे पहले की भी जजमेंट जो हैं वो नैब के खिलाफ चार्जशीट है। आप याद कीजिए, आतर मिनल्ला साहब ने भी ये फैसला किया इसी तरह का, हाई कोर्ट में वो मामला था PTA का जिसमें लाइसेंस को देने की बात थी, मामला PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर का था उसमें भी ऐसा ही था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर बारहा ये बातें की हैं, सिंध हाई कोर्ट में ये सब आपको बातगश सुनाई देगी। और देखिए, पीछे चले जाए हिस्ट्री में तो जिस जो इस कानून के खालिक हैं फारूक साहब, फारूक आदम, उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि ये ड्रेकोनियन लॉ। लेकिन इस तरह साहब इस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो पैरा 56 है वो तो डायरेक्ट चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट है। चेयरमैन नैब ने ये सारा केस जो है, देखिए हर केस जो है वो चेयरमैन नैब ही के दस्तखत से जाता है रेफरेंस, और वो ना सिर्फ सेशन जज के तौर पे भी काम किया, ट्रायल कोर्ट भी उन्होंने चलाया, उसके बाद हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने और एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे, तो उनका इदराक इन सब कवानीन के ऊपर बखूबी है, उनको सब मजमूरात पता हैं
कि कौन सी चीज़ क्या है, और इंसानी हकूक के खुद बहुत बड़े दाई रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के रेफरेंसेस हम देखते हैं तो ये जो बोर्ड जिस ये सारे फैसले करता है उसमें भी जयद लोग बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या किया जा रहा है। और अच्छा। आसिफ खोसा साहब की जो स्पीच के उन्होंने कोट किया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो कहीं से मुझे बताइए कि इसकी तरफ से कोई तर्दीद आती है? अच्छा, क्या हिस्ट्री ये नहीं बताती कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है? इश्तर साहब, आपको ये लगता नहीं है कि आप एक बहुत पुराने माहिर कानून हैं कि अब चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके इदारे के खिलाफ एक चार्जशीट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? चेयरमैन साहब की अपनी सवाबदीद है, वो बहुत ऑनरेबल तरीके से इस इदारे को चलाना चाहते हैं, लगता तो ये है, लेकिन चल नहीं रहा। तो जिस तरीके से ये सारे सिलसिले हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं और एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि जी फलां के खिलाफ ये हो गया, फलां के खिलाफ, ये नहायत नामुनासिब सी बात है। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है, एक जगह पे आगे चल के कहा गया कि ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान किसी को सजा देना अजियत का बायस है, और जमानत का मकसद मुलजम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना होता है, मकसद सजा देना, जेल भेजना या आज़ादी से महरूम करना नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में बगैर किसी चार्जशीट के या ट्रायल के किसी बंदे को नैब की कस्टडी में रखना या जेल में रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये तो जितने भी कन्वेंशन आपने साइन किए हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, ये तो सारी दुनिया का असूल है सवाए हमारे मुल्क के, जिसमें इस कानून में जमानत का इख्तियार ही नहीं किसी को, यानी हाईकोर्ट को भी जमानत का इख्तियार नहीं है, और आपको फिर आर्टिकल 199 का सहारा लेना पड़ता है जी। तो ये तो एक ऐसा कानून है जिसको आप जो सबसे स्याही है, रोशनाई है, उससे भी लिखें तो वो भी मदम है। बहुत शुक्रिया इश्तर औसाफ अली साहब। मोहम्मद खान साहब, आप खुद एक वकील हैं, वजीर पार्लिमानी अमूर भी हैं, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये भी कहा गया कि सियासी बोनों को सिलेक्ट किया जाता है और उनके सियासी कैरियर को परवान चढ़ाया जाता है, छोटे लोगों को बड़े अहदों पर बिठा दिया जाता है। अगर पार्लियामेंट जो है वो इस नैब के कानून को थोड़ा तब्दील कर देती, थोड़ा बेहतर बना देती, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत ना पड़ती कि वो ये जजमेंट देती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मेरे ख्याल में नैब लॉज में रिफॉर्म तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, हमारे दौर में कोशिश जारी है, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन आपकी बात इस हद तक सही है कि अगर हुकूमतें नैब लॉज में रिफॉर्म करती तो शायद सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी अदालतों को फिर ज़्यादा तगोदोना करनी पड़ती या जान लड़ानी पड़ती उनको इस तरह के फ़ैसलों में, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमतों की तरफ से माजी में जब ये नैब लॉज आए हैं तो नैब लॉज तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में आए, तो दोनों बड़ी जमातों की एक एक हुकूमत तो गुजर गई बीच में, तो वो टाइम उन्होंने लूज़ किया। और हमारे अभी 2 साल हुए हैं, उस पर पेशरफ्त हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी अभी नहीं हुई, लेकिन होगी इंशाल्लाह। बाकी जो फैसला है इस पर हुकूमत का मौकफ भी आ जाएगा, लॉ डिवीज़न का, लॉ मिनिस्ट्री का भी इस पर आ जाएगा। लॉ मिनिस्टर तो है ही नहीं है, वैसे वो दफ्तर में बैठते हैं लेकिन वो लॉ मिनिस्टर। बहरहाल जी, लॉ डिवीज़न का इस पर मौकफ आ जाएगा, उसके बाद ही इस पर प्रॉपर हम कॉमेंट कर सकेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है बड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो देखना पड़ेगा कि इसके दूर रस असरात कितने जो हैं वो आते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल एक मुसम्मा हकीकत है कि अगर पार्लियामान अपनी लेजिस्लेशन वक्त पे करे, किसी लॉ में कोई सुकम है उसको वक्त पे निकाल दे, तो फिर अदालतों में वो चीज़ें जाती ही नहीं हैं। लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्हें पहले और कौन से काम सही किए थे जो ये वो करते, क्योंकि शायद उस वक्त लोगों को सूट नहीं करता जब ख़ुद उसके घेरे में आए। मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि नैब के लॉस को रिफॉर्म भी करें, लेकिन रिफॉर्म का मतलब जो है उन लोगों को छूट देना नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा है या पाकिस्तान में उस तरह के क्राइम्स किए हैं। सिर्फ दहशतगर्दी ये नहीं है कि अपने आप से बम बांध के आप फाड़ दें, जब आप माशी दहशतगर्दी करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का ख़जाना खाली होता है, ये भी एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। मियां जवेल लतीफ़ साहब, क्या अब अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो मिलकर कोई ऐसा फैसला कर सकती हैं कि हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन इस नैब के कानून को तब्दील भी करना चाहिए? मैं मीर साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, ये कानून चेंज नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद भी। मैं कहता हूँ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, 58(2)(b) ये कानून था, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता था, जब कोई चाहता था इस्तेमाल कर लेता था। अभी आप इस जजमेंट में जिक्र कर रहे हैं
जज साहबान ने जो कहा कि किस वक्त ये कानून बना और किस लिए ये इस्तेमाल होता रहा। अब आप ये देखें कि जिस लिए ये इस्तेमाल होता है, जो करते हैं, क्या वो इसको तब्दील करने देंगे? दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, नहीं पार्लियामेंट ने तब्दील करना है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ ना। अब इनका मसला क्या है, पहले मैं इनसे ले लेता हूँ। इनका मसला ये शायद करना चाहते हों तब्दील, शायद करना चाहते हों, मगर करेंगे नहीं, इसलिए कि जब एक दूसरी तरफ से आवाज़ उठती है कि जनाब जब इनकी बारी आई है तो ये कानून चेंज कर रहे हैं, पहले इन्होंने इसको इंतकाम के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे वक्त में भी ये चीज़ें उठती थीं, ये आवाज़ें निकलती थीं, मगर मैं ये कहूँगा, मैंने एक जिक्र किया है 58(2)(b) का, उस वक्त उसको बनाने वाले भी तकड़े थे और नैब के कवानीन को बनाने वाले भी तकड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं अगर इजाज़त दे दें तो, मुझे दो मिनट दें तो मैं वो बात कह दूं। वो बाद में ना कर लें, दो मिनट अगर आप ले लें। कादर पटेल साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस पार्लियामेंट में इतनी ताकत नहीं है कि अगर PTI भी चाहती है और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और पीपल्स पार्टी भी चाहती है तो क्या आप नैब का कानून नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं मीर साहब, मेरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। देखिए, हमने 2013 में के करीब 12 में इस लॉ को चेंज करने की कोशिश की तो हमारी शायद उस तरह से बातचीत मुकम्मल ना हो सकी नून लीग से, इससे पहले इस पर बार था। फारूक एच नायक साहब का आज भी बिल जो है बिल्कुल फाइनल है, जो कि तकरीबन सबके लिए काबिल कबूल है, ठीक है ना, तो उसको लाकर हम ये कर सकते हैं। लेकिन जावेद लतीफ साहब की बात में भी बड़ा दम है। मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे की गई एक शिकायत का तस्वीरी जिक्र किया, अभी आपके वक्फे के बाद भी दिखा सकता हूँ कि मोहतरमा तैयबा फारूक, जिनकी वीडियो नैब के चेयरमैन के साथ रिलीज़ की गई, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शिकायत की अपनी वीडियो के साथ कि मुझे हरासा किया जा रहा है, लेकिन बजाय उसका आप कोई उसको इंसाफ देते, उसके बुलाकर या किसी भी तरह उससे वो चीज़ें लेकर फिर 10 मई को वो शिकायत करती है और 17 मई को वो TV पे रिलीज़ होती है वो वाली वीडियो, जो नैब चेयरमैन जिसकी वजह से आज भी जो है ना वो फंसा हुआ है बेचारा, जो भी है जो भी हो। और उससे ये भी कहा जाता है कि जी 5 वीडियोस आपकी और भी हैं, ये मैंने असेंबली में क्वेश्चन बना के डाला, उसको लैप्स कर दिया गया, मैंने असेंबली में वो लहराया प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का वो नंबर, शिकायत का नंबर, वक्फे के बाद आपको अभी दिखाऊँगा। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और क्या हो रहा है, कौन सा हुकूमती रुकन जो है वो जेल में, आप मुझे बताएं, जो जरा सा बात करे उठाएं जी नैब में बंद करो, जो जरा सी बात करे उठाएं जी उसको डराओ, कोई केस बनाओ। तो जिस चीज का मकसद ही डराना धमकाना हो तो ये सिस्टम चली उसी पे रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, जो आज जुल्फी बुखारी साहब ने बात की है कि वो कहते हैं जी वजीर आजम के पास इतना इख्तियार है कि जो डुअल नेशनल है यानी कि दोहरी शरीयत रखने वाला, वो उसको कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो भी काबीना के इजलास में आ सकते हैं। तो इस बारे में जो इमरान खान साहब की जो अपनी राय है वो क्या रही है, और हमारे प्रोग्राम में भी और हमारे प्रोग्राम के अलावा बहुत सी जगहों पे वो क्या कहते रहे, जरा सुना है। जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनल, जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है असेंबली में आकर कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वायत्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा, स्वायत्त पाकिस्तान पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाजत नहीं होनी, जो हमारा आइन कहता है ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि यहाँ मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए, यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्ती हिला के आए, आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। जी अली महमूद खान साहब, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप दोहरी शरीयत के साथ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, तो वज़ीर आज़म का मुआवने खसूसी या मशीर जो है वो क्यों डुअल नेशनलिटी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाता है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, उसूली तौर पे तो डुअल नेशनल, पहले इसकी डुअल नेशनलिटी पे भी आ जाते हैं। देखें हामिद मीर साहब, पाकिस्तान का वो बच्चा जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मेहनत करने के लिए जाता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं,
और हमारी जो रेमिटेंसेस आती हैं, पाकिस्तान जब भी मुश्किल में पड़ा उन्होंने हमें सपोर्ट किया। 1998 का धमाका अगर आपको याद हो, जब बैन अलावामी पाबंदियाँ पड़ी, मियाँ साहब के दौर में वो धमाके हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमें सपोर्ट किया किसी भी मौके पे। अभी हाल ही में जब हमारी हुकूमत आई है उसमें भी, कोविड में भी उन्होंने किया, वो जो मुल्क कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो उसमें भी, हर जगह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा आगे बढ़ के हमें सपोर्ट किया है। और अब तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट का जो हक है वो भी, उसमें तो कोई कबाहत भी नहीं है, वो इंशाल्लाह। मैंने आपको इमरान खान साहब का मौका सुना है, इस चीज़ पर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाजे हो जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा असासा है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी हैं जो बड़ी हसास हैं, जिस तरह कौमी असम्बली या सेनेट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर ममलिकत या चीफ जस्टिस पाकिस्तान या आर्मी चीफ, बहुत से जो हसास अहदे हैं वो ऐसे हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप डोल नेशनल नहीं हो सकते। तो जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है, काबीना भी एक हसास जगह है। आइडियल सिचुएशन यही है जो आपको खान साहब ने खुद बात की है, खान साहब इस बात को करते भी थे, उस पर वो बिलीव भी करते हैं कि डुअल नेशनल जो है उसको गवर्नमेंट के जो हसास मेन ओहदे हैं उस पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे कोई डिसलॉयल्टी का वो है, वो हमसे ज़्यादा वफादार हैं, लेकिन ये एक आइन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब वो किसी और जहाँ तक आइन से वफादारी का हलफ उठा लेते हैं, उस पर मैं आता हूँ। अब जहाँ तक ये स्पेशल असिस्टेंस का ताल्लुक है, तो स्पेशल असिस्टेंस के बारे में आपका आइन पाकिस्तान खामोश है। मेरे पास ये रूल ऑफ बिजनेस का, आज सेनेट में इसकी बाजगश भी सुनाई दी, रूल ऑफ बिजनेस का रूल नंबर 6 है जी। इसमें वजाहत से एक बात है कि दे मे बी अ स्पेशल असिस्टेंट और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर विद सच स्टेटस एंड फंक्शंस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब उनको लगा सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट वो लग सकते हैं, लेकिन क्या डोल नेशनल होने चाहिए? मेरे ख्याल में डोल नेशनल जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर जो हैं वो नहीं होने चाहिए, जब तक आईन में या कोई चेंज ना हो या उसके लिए कोई लेजिस्लेशन ना हो। अब माजी में ये रहे भी हैं, इस तरह ओहदे जो हैं लोग आए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस चीज़ को जो है इस पर कानून साजी हो, वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड हो कि क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अच्छा। और इसका मतलब हरगिज़ दोबारा मैं ये कहूँ ये बिल्कुल नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर कोई डिसाइड किया, लेकिन ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है और खान साहब ने इस पर क्लियर मौकफ भी लिया है। लेकिन ज़ाहिर है इन हुकूमतों ने माजी में कभी इस पर लेजिस्लेशन नहीं की। अब वक्त आ गया है कि और चीज़ों की तरह इसको भी देख लिया जाए और अगर कोई ज़रूरी कानून साजी इस पर हो तो वो हम कर लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आइन में इसकी वजाहत ना हो तो तब तक जो है स्पेशल असिस्टेंस इस पे क्वेश्चन मार्क रहता है। अच्छा, कि डोल नेशनल आए या ना। रूल्स ऑफ बिजनेस की बात किया तो मियां साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो रूल्स ऑफ बिजनेस का मामले में मैं एक ऐसे माहिर कानून से बात करूंगा जिन्होंने इस इशू पे आला अदालतों में एक पिटीशन भी दायर कर रखी है। जहांगीर जदून साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब रूल्स ऑफ बिजनेस का जिक्र कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस में गुंजाइश मौजूद है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस में अगर गुंजाइश मौजूद है तो फिर एतराज क्या है स्पेशल असिस्टेंट पे या एडवाइजर पे, और इस मामले में आइन क्या कहता है? जो मावन खसूसी है बेसिकली इनकी अपॉइंटमेंट ही आइन और कानून के खिलाफ है, जबकि जो मेंबर पार्लियामेंट होता है वो आइन के मुताबिक अलफ उठाता है और उसकी जो डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन है वो आइन के 62 और 63 में बयान की गई है। अगर वो डुअल नेशन है तो आयन की जो आर्टिकल 63(1)(c) है उसके तहत पाबंदी है कि अगर डुअल नेशन होगा तो वो मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर सेनेट नहीं बन सकता, जबकि ऐसी आयनी कोई पाबंदी मवनिन के लिए नहीं है, ना ही तो वो इलेक्ट होकर आते हैं और ना ही वो कोई ऐसा फॉर्म फिल करके देते हैं कि हम जो है इलेक्शन में ऐसा लिया या नहीं लिया। बाद ऐसी बिल आते हैं कि जो बंदा इलेक्शन हारता है तो उसको मावन खसूसी अपॉइंट किया जाता है, तो ये बेसिकली आयन के ख़िलाफ़ है। ये जो मावन खसूसी पॉइंट की गई हैं ये रूल ऑफ़ बिज़नेस जो है रूल ऑफ़ बिज़नेस के तहत पॉइंट होते हैं और ये रूल ऑफ़ बिज़नेस हैं ये आयन के साथ मुतसादम है। इसीलिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन भी की है, जितने भी मावन खसूसी हैं या एडवाइज़र हैं ये आयन के साथ इनकी अपॉइंटमेंट मुतसादम है, क्योंकि एडवाइज़र को भी जो स्टेटस दिया गया है फेडरल मिनिस्टर का और जो जो मावनीन खसूसी हैं इनको भी जो स्टेटस दिया गया है फेडरल मिनिस्टर का स्टेट मिनिस्टर का ये आइन से मुतसादम। उसकी वजह ये है कि ये एग्जेक्टिव पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने पॉलिसी बनाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनके वजीर नहीं हैं वफाकी वजीर, तो उनके लिए मावनीन खसूसी को अपॉइंट किया गया है जिसमें वो डेली काम भी कर रहे हैं, असम्बलियों पर साइन भी कर रहे हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि इनकी अपॉइंटमेंट को आइन के तनाजर में देखें क्या ये आइनी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सिटी जुरिसप्रूडेंस है कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अब जो एमएनए है या सेनेटर है वो अपने हल्के के लोगों को इलेक्टोरेट को रिस्पांसिबल है, लेकिन ये लोग जो हैं ऊपर से आ जाते हैं ना, इनकी फंक्शन डिस्क्राइब है,
آل دو کی رول آف بزنس ہی کہتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی فنکشن کیا ہے، کیا کریں گے، کیا کون سی اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کریں گے اور کیسے یہ ایگزیکٹو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بالکل ان کی امپارٹمنٹ غیر قانونی ہے. اس لیے ان پہ یہ پابندی اس لیے نہیں آئی ہوتی کہ کوئی یہ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے، کیونکہ اس میں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، یہ تینوں چاروں ہائی کورٹس جو ہیں یہ ڈیسیژن دے چکی ہیں کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ جو چیف منسٹر ہیں ان کا وہاں پہ ایکٹ کے ذریعے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اس ایکٹ کو قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں. بہت بہت شکریہ. قانون آپ نے بنایا ہوا ہے یہی آئین کے خلاف ہے. جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ. میاں جمیل لطیف صاحب، آپ کی جب حکومت تھی تو 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ تھے، طارق فاطمی صاحب بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے اور ایک شجاعت عظیم صاحب بھی تھے، وہ ان کی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا. تو آپ اس تناظر میں مطالبہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے اسپیشل اسسٹنٹ برے لگتے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ لگائے تھے؟ میں ایک عرض کر دوں میر صاحب کہ آئین میں ایک تناسب درج ہے کہ آپ اتنے نان الیکٹڈ رول رکھیں گے اور دوسرے یہ ہوں گے، مگر ہمارا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی معاون خصوصی کو رکھتے ہیں، کسی مہارت ان کا کسی شعبے میں ہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ جو اس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس کی بریفنگ دے کے وہ چلے جائیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کیبنٹ کا حصہ بن جائیں یا اس کیبنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، جو پالیسی بنتی ہے وہ اس میں شامل ہوں. اب اگر ڈول نیشنل کوئی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ وہاں کا حلف اٹھاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب خود جو فرمایا کرتے تھے، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا، تو آج وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نان الیکٹڈ جو ہیں وہ نہیں ان کے معاون خصوصی ہونے چاہیے، کسی شعبے میں ان کی مہارت ہے تو وہ ان سے فائدہ ضرور لیں، مگر جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا حکومتی جو بزنس ہے ان کے ذریعے چلا رہے ہیں، پالیسیاں ان کے ذریعے بن رہی ہیں، یہ غلط ہے. اب میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، میں نے آپ سے وقت مانگا تھا، اگر آپ وہ تھوڑا دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لانے والے جو تھے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں، جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لانے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے آج ارد گرد کے حالات کیا ہیں، کیا ان حالات میں یہ چل سکیں گے. اور ایک دوسری بات، دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں عمران خان کی کسی سے مماثلت نہیں دی جا سکتی. وہ کس طرح؟ ہاں ایک بندے سے. اگر موضوع پہ یہ پاکستان نیشنلٹی سر، یہ پاکستان کا دیکھیں نا، میرے پاس وقت کام ہے، مجھے 3 منٹ دے دیں، مجھے 3 منٹ دے دیں، میں اس میں بات کر لیتا ہوں. ڈول نیشنلٹی پہ بات، پلیز میں اسی پہ بات، میں بریک لے لوں گا، آپ ڈول نیشنلٹی پہ بات، میں اسی پہ بات کروں گا. دیکھیں نا، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ سر، میری عرض تو سن لینا، میری اسی پہ بات کروں گا. میں اس کی مماثلت بیان عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، پاکستان کے اندر جنرل یحییٰ بھی آئے. جنرل یحییٰ نے جس طرح پاکستان کے اختیارات اور پاکستان کی اسی اسمبلی پر لعنت بلڈنگ پر بھیجی، عمران خان صاحب نے بھی اسی اسمبلی پر بھیجی. سر اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق؟ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ مجھے عرض کرنے کا موقع دیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اسی عمران خان صاحب نے یہ فرمایا سندھ کے سامنے کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے. یہ آپ کا ایشو ہے، میرا بھی ایشو ہے، لیکن اس وقت میرا ایشو ڈول نیشنلٹی ہے. سر اس سے بڑا آپ کے پاس اگر اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے لوجک نہیں ہے سر، میری آپ ٹائم تو نہ ضائع کریں. اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یحییٰ خان کہاں سے آ گئے؟ مجھے میں عرض کرنے لگا ہوں نا، میں پھر جنرل ضیاء الحق کو لے کے آؤں بیچ میں، وہ جو لے کے آیا تھا کچھ لوگوں کو پاکستان کی سیاست میں، شرف کو بھی لے کے آئے، پھر میں جنرل جلانی کو لے کے آؤں. آج کر کے رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جنرل یحییٰ نے کیا کیا تھا؟ جنرل یحییٰ نے ایوب خان کی کیابینہ کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر اور دیگر باسر لوگوں پر. اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لوگ پالیسی ساز بنے ہوئے ہیں،
आज दो नेशनल जो रखते हैं वो आज पॉलिसी साज पाकिस्तान के बने हुए हैं, पाकिस्तान के अदारों को तबाह कर रहे हैं, एहतसाब के नाम पर इंतकाम, और दोस्त जो हैं अरबों खरबों कमा के लेकर जा रहे हैं। कि प्लीज देखिए जो मौजू होता है उस पर बात किया करें, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आप बीच में याह्या खान को ले आए हैं, बीच में आपने 3 मिनट नहीं 5 मिनट लगा दिए हैं। अब इस 5 मिनट में हम कितनी बात कर सकते थे डुअल नेशनलिटी पे? क्यों कादर पटेल साहब हैं आपके अपोजिशन के भाई, लेकिन यही मामलात हैं आपकी अपोजिशन के जिसकी वजह से इमरान खान बैठा हुआ अपनी जगह पे। निकालें गालियां याह्या खान को। बारी कब आएगी? वक्फे के बाद कादर पटेल साहब से बात करें।